हेलो स्टूडेंट, विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओएमआर सीट अभी जारी नहीं हुई है। हम लोग आपको ये बता रहे हैं इस वीडियो में कि ओएमआर सीट को कैसे देखना है, फिर कैसे उसको चैलेंज करना है। बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ओएमआर सीट में क्या देखना है, कैसे फिर चैलेंज करना है, क्या करना है, तो वो चीज़ मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, पहले से आपकी ट्रेनिंग कर दे रहा हूँ। जैसे ही ओएमआर सीट आएगी आपको पता रहेगा कैसे देखना है, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जो भी बच्चे ये समझ के वीडियो आए हुए हैं कि वो ओएमआर सीट जारी होगा, ऐसे कोई कंफ्यूजन वो वीडियो देखना बंद कर सके। सिर्फ वही लोग वीडियो आगे देखें जिनको ओएमआर सीट देखने का तरीका समझना है। चलिए तो अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ओएमआर सीट को डाउनलोड करना है वेबसाइट से। आपको वहां पर जाके लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से आपको अपनी ओएमआर सीट मिल जाएगी। अब इसमें आप देख सकते हैं आपने जो रिस्पांस भरे हुए हैं, ये पूरे रिस्पांस, आप इन रिस्पांसेस को जो है नोट कर लें कागज में। अब इसके बाद रिस्पांस भरने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि ये नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर मार्क बाय द विल बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो ये जो है मशीन ने जो आपकी आंसर शीट चेक की होगी उसके रिस्पॉन्स आपको दिखाई देंगे एक पेज पर। देख सकते हैं आप यहाँ पे इस तरीके से आपको आपने जो रिस्पांस हुए एमआर सीट में भरे हुए हैं उसको मशीन ने जो रीड किया हुआ है वो आपको दिखाई देंगे इस तरीके से। तो अब आपने जो रिस्पांस हुए एमआर सीट में भरे हैं और मशीन ने जो रीड किया उनको मैच करना है। अब अगर मैचिंग करने में आपको लगता है कि कोई रिस्पांस आपने ओएमआर सीट में तो भरा है लेकिन मशीन रीड नहीं कर पाई, ध्यान से सुने, मशीन रीड नहीं कर पाई, लेकिन अगर वो क्वेश्चन का आंसर आपने गलत ओएमआर सीट में भरा है तो ऐसे को आपको चैलेंज नहीं करना। फिर से सुने, अगर आपने सही भरा ओएमआर सीट में और मशीन रीड नहीं कर पाई उसी के लिए चैलेंज करें, क्योंकि चैलेंज के लिए आपको 1000 रुपये भी लगने वाला है। और अगर आपने गलत क्वेश्चन के लिए चैलेंज किया तो आपका एक नंबर कट जाएगा। तो आपको सही क्वेश्चन के लिए चैलेंज करना है जिससे आपके 4 नंबर बढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का विशेष। तो इस तरीके से देखिए ये, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो मशीन ने अगर उस क्वेश्चन को आंसर को सी पढ़ा है, आप डी बताना चाहते हैं, आपने लिखा, तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा, उसमें क्लिक करके आप सुधार करेंगे। इस तरीके से सुधार करने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जितने क्वेश्चन आप होंगे उसके 1000 रुपये पर क्वेश्चंस के हिसाब से आपको पैसे लगेंगे। ये फीस बदल भी सकती है क्योंकि अभी नया जो इस बार का आएगा नोटिफिकेशन NTA का, उसमें बताया जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल दिखाना चाहता हूँ। लास्ट ईयर किस तरीके से वेबसाइट पर बच्चों ने ये सब किया था वो पूरा लास्ट ईयर का जो है क्लियर कट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ लास्ट ईयर के ओएमआर सीट से, और थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके। तो ये लास्ट ईयर आप देख सकते हैं ओएमआर सीट, लास्ट ईयर की एक बच्चे की ओएमआर सीट है। इसमें बच्चे ने पहले ऑप्शन, पहले क्वेश्चन में 1, दूसरे में 3 लिया है, तीसरे में आप देख सकते हैं 1 और चौथे में, ये देखिए उसका फिर ये रिस्पांस जो मशीन ने लिया आपके सामने आ रहा है। देखिए मशीन का भी दिखा रहे हैं आपको हम, और जो है बच्चे ने जो फील्ड किया दोनों। ये वेबसाइट लास्ट ईयर का है, कन्फ्यूज़ नहीं हो जाए। इस बार अभी तक ओएमआर सीट जारी नहीं हुई है, अभी हो सकती है, आज भी हो सकती, कभी भी, इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरा रिस्पांस किस तरीके से बच्चे ने फिल्ड किया और किस तरीके से वेबसाइट पर रिस्पॉन्सेस दिखाई दे रहे हैं। अब अगला देखेंगे आप 49 क्वेश्चन का। इसमें देखिए बच्चे ने थोड़ा सा रिस्पांस भरा है तो मशीन इसको नहीं पढ़ पाई, तो मशीन नहीं पढ़ पाई, आप देख सकते हैं 49 के सामने। तो आप इसको पक्का चैलेंज करें अगर सही है तो, ध्यान रखें, अगर ये आंसर सही है जैसे इसमें 1 सही है और 49 का मशीन रीड नहीं कर पाई, अगर 1 गलत है और मशीन रीड नहीं कर पाई तो आप फायदे में हैं। आप अपना फायदा हमेशा देख के चलें, नहीं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा गलत होगा तो। आपको इसलिए सिर्फ सही क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि आपके पास अब NTA के सही क्वेश्चंस के आंसर भी हैं, तो आप ये जो है ध्यान रखें, नहीं तो गलती से आप सोचें कि वहाँ तो हमने भरा था मशीन नहीं पढ़ पाई तो आप बता दें NTA को 1000 रुपये अपना लगा के। तो ये देख सकते हैं आप 50 नंबर का क्वेश्चन में जो है ये भी मशीन नहीं पढ़ पाई, 50 नंबर का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं इसके सामने, मशीन इसको रीड नहीं कर पाई है। तो इस तरीके से आपको ये सारा काम जो है ठीक तरीके से करना है, और इसमें ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी रिस्पॉन्सेस आपने भरे हैं और वहाँ की मशीन ने गलत पढ़े उनको आपको इस तरीके से करना है। ये फीस कम ज़्यादा हो सकती है, नोटिफिकेशन में आएगी
ये फीस जो है लास्ट ईयर जो है 1000 रुपये थी, उसमें कम ज़्यादा पर क्वेश्चन 1000 रुपी। अच्छा, अगर आपका चैलेंज जो है सही रहता है तो आपको ये 1000 रुपये रिफंड हो जाएंगे, अगर आपका चैलेंज सही नहीं रहता है तो रिफंड नहीं होंगे। इसके अलावा आपका चैलेंज एक्सेप्ट हुआ कि नहीं, ये आपके अकाउंट पर ही दिखाई देगा, तो आपको कोई अलग से मैसेज या फ़ोन नहीं आएगा एनटीए की तरफ से, तो आपको लगातार अपनी जो लॉगिन करके अपना अकाउंट चेक करते रहना है, वहाँ पे ही आपको पता लग पाएगा, अलग से कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। चलिए, तो मैंने पहले से ओएमआर शीट जारी होने के पहले ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। आपको अभी भी अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारा जो नंबर स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले दिया है 9826032282, उस पर आ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर अभी अभी जो है एम्स के कट ऑफ की पूरी जानकारी डाली गई है, तुरंत आप उसको देख लें। इसके अलावा यूपी स्टेट की डाली गई है, एमपी स्टेट की है, कर्नाटका स्टेट की है पूरा कट ऑफ, और इसके अलावा जो है और बाकी स्टेट के भी जल्दी जल्दी डाले जा रहे हैं ऑल इंडिया। और रोज़ हमारे चैनल पर लाइव सेशन होता है जिसमें आपके साथ डिस्कशन होता है कि आपको कितने मार्क्स पर कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या स्थिति रहेगी, कैसे काउंसलिंग होती, क्या, तो सारी चीज़ों से आप जुड़े रहें हमारे चैनल से लगातार। ठीक है, ओके, थैंक यू।